सभी को दिख रहा है? स्लाइड दिख रही है सभी को? ठीक, यस मैम। ट्रैकिया आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। नाउ यू हैव टू रीड डिफरेंशिएशन, यू हैव टू रीड अबाउट द डिफरेंशिएशन अमंग डिफरेंट स्पीसीज एंड व्हाट इज द डिफरेंस इन ट्रैकिया ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स ऑल्सो, ठीक है। सो यू ऑल नो दैट ट्रैकिया इज कंप्राइज ऑफ सीरीज ऑफ रिंग्स ऑफ हाइलैंड कार्टिलेज, ठीक है। It is flexible and non-collapsible cartilaginous tube. You all know this is the mandatory thing that trachea should be non-collapsible. अगर ये collapsible होती तो बहुत दिक्कत हो जाती. That is why it is made up of rigid cartilaginous rings. ठीक है. So the trachea is extending from larynx to the level of base of the heart because at the level of base of the heart trachea get bifurcated and enter into the lungs. So this is the limit of trachea. The trachea is comprised of 50 to 60 cartilaginous ring, and these rings are open dorsally. They are incomplete ring, and the where they are incomplete. अगर human being की बात की जाए तो anterior posterior term use होता है. The cartilaginous rings are incomplete posteriorly. पीछे की तरफ incomplete है. अगर हम यहाँ एनिमल्स की बात करेंगे देन वी से दैट कार्टिलेज आर इनकम्प्लीट डॉर्सली. द रिंग्स आर कंप्लीटेड बाय कनेक्टिव टिश्यू एंड स्मूथ मसल फाइबर ऑफ ट्रेकियलिस मसल, ठीक. तो ये मसल कैसी है? ट्रेकियलिस मसल स्मूथ मसल है. स्मूथ मसल आप समझ रहे हो ना, स्मूथ मसल ऑर्गन्स में स्मूथ मसल होगा, ठीक है ना. और बाकी जो मसल हम देख रहे हैं वॉलेंट्री मसल्स, दे आर द स्केलेटल मसल्स, ठीक. सो द रिंग्स आर कंप्लीटेड बाय स्मूथ मसल फाइबर ऑफ ट्रेकियलिस मसल. व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेकिया? लेंथ इज 60 सेंटीमीटर. इट इज अराउंड 60 सेंटीमीटर. और देखो रिंग्स भी कितनी है, 50 टू 60 कार्टिलेजनस रिंग एंड लेंथ भी 60 सेंटीमीटर. इससे आपको याद रखना है, 60-60 का जो डेटा है वो याद रखना है, ठीक है. नाउ द ट्रेकिया टर्मिनेट बाय बाइफर्केटिंग इनटू टू ब्रोंकाई एट द लेवल ऑफ बेस ऑफ हार्ट. ये हमने अभी बताया आपको, ठीक है. नाउ द ट्रेकिया इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज सर्वाइकल एंड थोरेसिक. इस डायग्राम में आप देखिए, ये जो डायग्राम है एक्सीटू डायग्राम है, मतलब ट्रेकिया को रिमूव किया हुआ है बॉडी से और सीमेटेड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है. हियर यू सी, फ्रॉम हियर द ट्रेकिया हैज स्टार्टेड. अच्छा मैं एक चीज बताना भूल गई अभी आप लोगों को, पोजीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड. Because thyroid gland is also present over here, so the thyroid gland is related at the level of first two to three tracheal rings. मतलब जो thyroid gland का level होगा वो कहाँ पर होगी? At the level of first two to three tracheal rings. Although हम thyroid gland अलग से भी पढ़ेंगे, ठीक है. तो जैसा आपने human being में पढ़ा है कि it's comprised of isthmus and isthmus is the connecting portion. एंड टू लोब्स, ठीक है ना, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, एंड इट इज कनेक्टेड बाय द बॉडी और इस्थमस इन द मिडल लाइन. तो यहाँ पर भी, इसमें भी जो थायराइड ग्लैंड है दैट इज ऑल्सो बाई लोब एंड प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ फर्स्ट टू टू थ्री ट्रेकियल रिंग्स, राइट. नाउ ट्रेकिया इज कैन बी डिवाइडेड टू सर्वाइकल पार्ट एंड थोरेसिक पार्ट, लेवल ऑफ थोरेसिक इनलेट. देन वॉट इज द रिलेशन ऑफ सर्वाइकल पार्ट? रिलेशन क्या है? द ट्रेकिया इज रिलेटेड डॉर्सली टू द ईसोफेगस अप टू द लेवल ऑफ थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा. फिर इसके बाद ईसोफेगस का पोजीशन चेंज हो जाएगा. हम पढ़ेंगे ईसोफेगस का कोर्स पढ़ेंगे तब आपको फिर से ये जो है रिलेशनशिप याद आएगा. तो ईसोफेगस इज रिलेटेड विद द ट्रेकिया डॉर्सली अप टू द थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा. फिर इसके बाद ईसोफेगस इज कमिंग टू द लेफ्ट टू द ट्रेकिया, वो हम बताएंगे जब ईसोफेगस का कोर्स पढ़ेंगे, ठीक है ना. सो डॉर्सली इट इज रिलेटेड टू द ईसोफेगस एंड लॉन्गस कोलाइड मसल, वेंट्रली बाय स्टेनो थायरोहायोडियस मसल, लेटरली बाय कैरोटिड आर्टरी, जुगलर वेन, वेगोसिम्पैथेटिक ट्रंक एंड दी कैरलेजियल नर्व. ये सब एक शीथ के अंदर होगा ये स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैरोटिड शीथ बोलते हैं. याद आ रहा है? What are the structures of carotid sheath? Anybody? Carotid sheath?
So which vein, jugular, internal jugular vein or external jugular vein? Which vein will be? Yes, internal jugular vein. And carotid artery, which type? Which carotid artery? External. Common carotid artery. Along the neck of the trachea, and these are also paired. Okay, na? Carotid sheath is the paired structure present on both the side, right, as well as left. So we see here laterally the trachea is related with the structures present in carotid sheath. ठीक है ना? तो laterally का मतलब क्या होता है? जब हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ से approach करेंगे, बाहर की तरफ. So here it is related with the structures present in carotid sheath. ठीक है? So this is cervical part. Cervical part आपको well understood है, means the part up to the level of thoracic inlet, that is called cervical part. Now the thoracic part. The thoracic part is situated at the dorsal aspect of cranial mediastinum. अब mediastinum क्या है? ये सभी को पता है. The space between the two pleura, pleural sac, is called mediastinal space. सभी को पता है ये चीज. The space between the two pleural sac is called mediastinal space. And this mediastinal space is divided into three portions, that is cranial mediastinum, middle mediastinum and caudal mediastinum. ठीक है ना? So cranial mediastinum, जब heart पढ़ा रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था, the space in front of the heart is called cranial mediastinum. The space where the heart is present is the middle mediastinum, and the space behind the heart is caudal mediastinum, right? So thoracic part of trachea is situated at dorsal aspect of cranial mediastinum and a portion of middle mediastinum. मतलब जो पूरा का पूरा thoracic part है, एक तो cranial mediastinum में होगा और थोड़ा सा part उसका कहाँ पर होगा? Middle mediastinum में. क्यों? क्योंकि at the level of middle mediastinum now it will be bifurcated. So the course of trachea has finished. So here it is extending from cranial to middle. On the left lateral side, it is related to the aortic arch, left axillary artery and thoracic duct. अब अभी हमको यहाँ पर अगर आप लोगों ने देखा होता dissection करते हुए, तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आती चीजें. Because heart is present on the left side, ठीक है ना? और trachea भी यही हुए ना? यहाँ esophagus भी इधर से गुजरनी है, और aorta भी यहीं पर है, मतलब आगे से brachiocephalic trunk, पीछे से descending aorta, मतलब सब सारी चीजें हैं यहाँ पर. तो trachea will be related to its left side with aortic arch, left axillary artery and thoracic duct, and it is related in the right side with vagus and ventrally by the anterior vena cava, brachiocephalic trunk and recurrent laryngeal nerve. ठीक है? तो ये जो इसका relationship है, और ये लिखना पड़ता है ये सारी चीजें. जब भी exam में अगर पूछा जाता है तो ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी, because it is called topography. ठीक है ना? So you have to write all the things how it is related with other structure. अब एक जो special thing क्या है, इसमें देखो आप, यहाँ पर आप देखो एक branching हो रही है trachea में. In other species what happened, the trachea only bifurcated, but in case of cattle and in pig, in cattle and pig, at the level of third intercostal space, at the level of third intercostal space, one extra bronchus is given off by the trachea, ये, ठीक है ना? जिसको क्या बोलते हैं? Apical bronchus बोला जाता है. This it is called apical bronchus. Why apical bronchus? Because it will ventilate the apical lobe of right lung. So that it is called apical bronchus. तो ये point जो है बड़ा highlighted है और आपको बहुत अच्छे से याद रखना है. At the level of third intercostal space, there is one extra bronchus. That is called apical bronchus. This system is only present in case of cattle and in case of pig, not in case of dog and horse, where only there is bifurcation of trachea. No apical bronchus is present in dog and horse. So, याद रखनी ये चीज़, ठीक है? This is the thoracic part of the trachea. Now, if we see the internally, the trachea is lined by pseudostratified columnar epithelium, ठीक? And which artery will supply the blood? ठीक है ना? It is the branching of common carotid and brachioesophageal artery, bronchoesophageal artery. याद करो,
एक तो क्या है कॉमन कैरोटिड पूरा इट इज ट्रेवर्सिंग अलोंग द होल लेंथ ऑफ द सर्वाइकल पार्ट ऑफ द ट्रेकिया. दैट इज व्हाई द ब्रांचिंग विल बी गिवन बाय द कॉमन कैरोटिड इन द नेक रीजन. इफ वी टॉक अबाउट द ब्रांचिंग एट द लेवल ऑफ थोरेसिक रीजन, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ईसोफेजियल आर्टरी देन ब्रोंकियल आर्टरी. याद करो जब एरोटा की ब्रांचेस आप पढ़ रहे थे यहाँ से, है ना. तो एट द लेवल इन द थोरेसिक पोर्शन दैट विल बी ब्लड सप्लाई विल बी बाय द ब्रोंको ईसोफेजियल या ब्रोंकियल आर्टरी भी बोल सकते हैं अगर आप अलग अलग कंसिडर करेंगे तो. ठीक है. नर्व सप्लाई टू द ट्रेकिया इज बाय रिकरेंट लेरिंजियल नर्व. ठीक है ना. रिकरेंट लेरिंजियल नर्व इट इज इनर्वेटिंग द लैरिंग्स ऑल्सो एंड ट्रेकिया ऑल्सो. ठीक है. Now trachea of horse. Trachea of horse is comparatively long. It is about 70 to 80 centimeter long. ठीक है. जबकि वहाँ पर कितना लेंथ था 60 centimeter in case of ox. Cervical part of trachea, the free ends of cartilaginous plate overlap. ये overlap करेगा. ठीक है. वहाँ पर क्या था ox के केस में there was not overlapping. There was deficiency of muscle. ठीक है. And that the portion will be completed by the trachealis muscle in the outside. बाहर की तरफ से trachealis muscle उसको complete करेगा. Here in case of horse, the tracheal muscle completing the lumen from the inner side. ये and there is overlapping. In the cervical part of trachea, the free ends ये देखो free ends of cartilaginous plate overlap. ठीक है. And tracheal apical bronchus is absent. ठीक है. नाउ इन केस ऑफ ट्रेकिया ऑफ डॉग 40 to 46 कार्टिलेजनस रिंग्स आर प्रेजेंट एंड द रिंग्स आर सर्कुलर इन शेप. ठीक है. दे आर सर्कुलर इन शेप. इन केस ऑफ पिग 32 to 36 कार्टिलेजनस रिंग्स आर प्रेजेंट एंड हियर द फ्री एंड ऑफ कार्टिलेज ओवरलैप अ लिटिल डॉर्सली विद द राइट साइड overlying on the left side. मतलब जो right side है वो overlie करेगा किसको left side को. ठीक है ना. So sorry. Here also in case of pig also there is overlapping of cartilaginous rings. Apical bronchus is present. मैंने बताया था अभी आपको at the level of third rib और third intercostal space. In case of pig. Now trachea of fowl. There is special peculiarity in case of trachea of fowl. ये question हमेशा पूछा जाता है. What is the peculiarity of trachea of fowl? Complete cartilaginous rings are present. Complete. Their cartilaginous rings are not incomplete. Here complete cartilaginous rings are present. And the number is 115. 115. 115 cartilaginous rings होंगी. And they are complete, except the first and last. These are signet ring shape. ठीक है. बाकी के सारे जो है complete cartilaginous ring है. At the point of bifurcation of trachea into two primary bronchi, it dilates to form a cartilaginous compartment. It is known as syrinx. ठीक है. अब trachea में क्या है? At that level of bifurcation, in case of fowl. There is presence of one cartilaginous structure that is called syrinx, and syrinx is responsible for production of sound in case of fowl. Those syrinx is known as voice box in case of fowl rather than larynx. And larynx ki jagah syrinx ko bolte hain voice box in case of fowl. Samajh mein aaya bachcho? Yes ma'am. किस लेवल पे होगा? Yes, at the level of bifurcation. ठीक है. And it is a voice box. It is responsible for production of sound in case of fowl. Larynx do not have the facility of vocal cords over here and do not produce sound in case of fowl. How many tracheal rings, Prakhar? Prakhar, बताओ. One. प्रखर तिवारी. प्रखर क्लास चला के घूम रहे हैं क्या?
प्रखर तिवारी, विकास, यस मैम, हाउ मेनी ट्रेकियल रिंग्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ हाउ? 115 मैम, 115 मैम, 115, 115, हाँ मैम, 115 ट्रेकियल रिंग्स, ठीक है, बड़ी लंबी ट्रेकियल होती है फाउल में, हाँ, क्योंकि the neck is also long in case of foul, then the trachea is also long in case of foul, right? This is all about the trachea. Any question? बताओ भाई कुछ पूछना है? ट्रेकिया, बताओ ट्रेकिया से कुछ पूछना है? ट्रेकिया खत्म हो गया है, हाँ बोलो मैम। मैम व्हाट इज द रोल ऑफ एपिकल ब्रांच ब्रोंकाई? व्हाट इज द रोल ऑफ एपिकल ब्रोंकस? ना यस मैम, एक्चुअली सच देखा जाए तो देखो क्या है, राइट लंग इज वेरी लार्ज इन साइज, ठीक है ना, एंड देयर इज लोबेशन आल्सो, अलग अलग लोब्स होते हैं। हम अभी लंग भी पढ़ेंगे इसके बाद, लंग पे ही आने वाले ट्रेकिया के बाद। तो लंग्स, लंग्स एक्चुअली द राइट लंग हैज फोर लोब, डायफ्रामेटिक लोब, कार्डियक लोब, इंटरमीडिएट लोब एंड एपिकल लोब। सो एपिकल लोब ऑफ राइट लंग इज लार्जर and it is ventilated by separate bronchus of trachea, that is apical bronchus, ठीक है। अब इसका अगर हम utility देखें या utility wise कुछ अगर सोचना चाहें तो as such बहुत ज़्यादा है नहीं कि कुछ हम इसको utility wise बोल पाएं इसके बारे में, क्यों? क्योंकि it's just an anatomy, ठीक है, कि भाई lungs का right lung है वो large है size में, तो उसके लिए एडिशनल ब्रोंकस दिया गया है टू वेंटिलेट, दिस मे बी द रीजन, ठीक है। और कुछ, और कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो आगे बढ़ते हैं।